Welcome back everyone. In this video, we are going to practice more than 100 daily using list sentences. So watch the video till the end and like this video and subscribe to our channel. Now, the first sentence is इसको अकल सिखाओ थोड़ी. Talk some sense into him. Talk some sense into him. ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते. We can't do anything in such a situation. We can't do anything in such a situation. वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है. She is easy going. She is easy going. तुमने जो किया वो तारीफ के काबिल था. What you did was commendable. What you did was commendable. उसे अपने हिसाब से जीने दो. Let him live his life as he wants. Let him live his life as he wants. मैं अपने वजन घटाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to lose my weight. I am trying to lose my weight. हम लोग समय पर नहीं पहुँच सकते. We may not reach on time. We may not reach on time. रुचि ने सब संतरे खा लिए. रुचि has eaten all mangoes. रुचि has eaten all mangoes. अब सुधार की कोई जगह नहीं है. Now there is no scope for improvement. Now there is no scope for improvement. वे हफ्ते के अंत में क्रिकेट खेलते हैं. They play cricket on weekends. They play cricket on weekends. मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है. I don't like the color of this room. I don't like the color of this room. स्कूल बस आज लेट से आ रही है. The school bus is running late. The school bus is running late. मुझे दूर की चीजें धुंधला दिखाई देती हैं. I see distance things blurry. I see distance things blurry. बस यू गया यू आया. I will be back in a flash. I will be back in a flash. मुझे हर समय खाने का मन कर रहा है. I feel like eating all time. I feel like eating all time. वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है. She is mentally unwell. She is mentally unwell. मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है. My studying amounts to not studying. My studying amounts to not studying. मुझे कल की चिंता है. I am worried for tomorrow. I am worried for tomorrow. धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन ले. Speak slowly, let she should hear. Speak slowly, let she should hear. किसी के लिए आंसू मत बहाओ. Never shed tears for anyone. Never shed tears for anyone. मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था. I was dreaming of marrying her. I was dreaming of marrying her. मैं तुम्हें जाने दे सकता था. I could have let you go. I could have let you go. मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं. There are breakouts on my face. There are breakouts on my face. काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता. I wish I could do something for you. I wish I could do something for you. मुझे उसे समझाने की दिक्कत होती है. I find it difficult to make him understand. I find it difficult to make him understand. मुझे लगा आज सोमवार है. I thought it was Monday today. I thought it was Monday today.
वह मुझे बहुत बुरा लगता है। ही सीम्स टू बी वेरी बैड टू मी। ही सीम्स टू वेरी बैड टू मी। खैर छोड़ो इस बात को। विल लीव दिस थिंग्स। विल लीव दिस थिंग्स। चलो धूप सेकते हैं। लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी? हाउ कम यू लॉस्ट द कीज। हाउ कम्स यू लॉस्ट द कीज। मुझे घर पर रहना पसंद है। आई एम अ होम बडी। आई एम अ होम बडी। आज कड़काके की ठंड है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। यहाँ रुक कर मैं करूँगा क्या? व्हाट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हेयर। व्हाट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हेयर। तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया। यू डिडेंट इवन लेट मी थिंक। यू डिडेंट इवन लेट मी थिंक। मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड। मैं हमेशा अमीर बनने की सपने देखता हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। मेरे हाथ पैर जमे जा रहे हैं। माई हैंड्स एंड फीट आर फ्रीजिंग। माई हैंड्स एंड फिट आर फ्रीजिंग। कल रात बूंदाबांदी हुई। इट ड्रिजल्ड लास्ट टाइम। इट ड्रिजल्ड लास्ट टाइम। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। दैट मैन इज नॉट रिलायबल। दैट मैन इज नॉट रिलायबल। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। वो रातों रात धनवान बन गया। ही बिकमिंग रिच ओवर नाइट। ही बिकम रिच ओवर नाइट। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो? हाउ कम यू कैन बीट हिम। हाउ कम यू कैन बीट हिम। इस माल का कोई भरोसा नहीं। दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल। दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल। ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। ही विल बी फाइन टिल टुमारो। ही विल बी फाइन टिल टुमारो। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। ही विल हैव टू ओबे मी। ही विल हैव टू ओबे मी। हमने जानबूझकर नियम तोड़े। वी डिलिबरेटली ब्रोक रूल्स। वी डिलिबरेटली ब्रोक रूल्स। जहाँ तक हो सके कोशिश करो। ट्राई एज मच एज पॉसिबल। ट्राई एज मच एज पॉसिबल। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। ही डिडेंट लेट मी डू एनीथिंग। ही डिडेंट लेट मी डू एनीथिंग। मैंने मोबाइल को बिस्तर में उठाया। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। वो काम करते हुए संगीत सुनता है। ही लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल वॉकिंग। ही लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल वॉकिंग। उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ही डजंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल। He doesn't feel like studying at all. मुझे किताब खोलते ही जवाई आने लगती है। I yawn as soon as I open the book. I yawn as soon as I open the book. जल्दी में अपना पर्स घर पर भूल गया। In a hurry, I forgot my purse at home. In a hurry, I forgot mine at home. वो हीरोइन बनी फिरती है। सी रोम्स अराउंड लाइक ए हीरोइन। सी रोम्स
around like a heroine. तुम अब नए तरीके खोज लो। फिर से वो जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते किसका आंसर राइट होता है। एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलते नेक्स्ट सेंटेंसेस के ऊपर। टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ। क्विकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग। क्विकन योर स्टेप वाइल वॉकिंग। वो अपनी माँ के साथ घूमने गया है। ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज मदर। ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज मदर। कल मेरे स्कूल की छुट्टी जल्दी होगी। आई विल बी आउट ऑफ स्कूल सून टुमारो। आई विल बी आउट ऑफ स्कूल सून टुमारो। मेरी पीठ में खुजली हो रही है। माई बैक इज इचिंग। माई बैक इज इचिंग। सुबह के समय ज़्यादा सर्दी लगती है। इट फील्स मोर कोल्ड इन द मॉर्निंग। इट फील्स मोर कोल्ड इन द मॉर्निंग। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट द लाइंग। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? तुम इस लफड़े में मत पड़ी। यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। वो ज़्यादा तेज बन रहा था। ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट। ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट। शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। Perhaps you can't do it. Perhaps you can't do it. मेरे जूते घिस चुके हैं। My shoes have been worn out. My shoes have been worn out. देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। Everything is ruined in no time. Everything is ruined in no time. आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।